لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات محمد मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सी आयत करीमा की तिलावत की थी जिसमें परवरदिगार आलम ने हर ईमान लाने वाले को इस बात का इत्मीनान दिलाया है और यकीन बयानी की है कि तुम लावारिस नहीं है बल्कि तुम्हारा वली और सरपरस्त अल्लाह और वो तुम्हें सारी जिंदगी मदद देता रहेगा ताकि तुम अंधेरों से निकल के उजाले में आते रहो। उसके बाद इसी लेवल लहजे में खुदावंद आलम काफिरों का तज़किरा करता है कि काफिरों का सरपरस्त ताग़ूत है और शैतान है। वो सरपरस्त नहीं है बल्कि वो दुश्मन है, धोखा देने वाला है। इसलिए उसका काम यह है कि वो हमेशा उजाले से निकाल के अंधेरे में लाता रहता है, आखिर में रिजल्ट और नतीजा बयान करता है खुदा कि ये बहकने वाले और बहकाने वाले दोनों के दोनों आग के साथी हैं और हमेशा हमेशा दोजख में रहने वाले। आय करीमा के तर्जमे के बाद मैं जरूरत महसूस करता हूं कि आपको अपने कल के बयान में से इतनी सी बात याद दिलाऊं कि अल्लाह ने यह कहा है कि हम हर मोमिन के वली और सरपरस्त और हम हर मोमिन को अंधेरे से निकाल के उजाले में लाते। तो मैंने ये गुजारिश की थी कि ईमान के बाद ये समझ लेना कि अब हमारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं पैदा होगा, ये गलतफहमी है। अगर ईमान के बाद जिंदगी में कोई अंधेरा न पैदा होने वाला होता तो खुदा ये कहता कि अल्लाह उन ईमान लाने वालों का वली है जो अंधेरे से महफूज हो गए। ये अल्लाह ये कहता है कि हम ईमान लाने वालों के सरपरस्त हैं, वली हैं और हमेशा इनको अंधेरों से निकाल के जिंदगी के उजाले में लाते रहेंगे। तो मेरे जुमले का मकसद क्या है कि हमें इस पर मुतमईन नहीं होना चाहिए कि ईमान ले आए तो काफी है, नहीं, हिफाजत करना होगी कि हम कभी जिंदगी के अंधेरे में न चले जाएं बल्कि उजाले में आते रहें।
और मेरी इसी दूसरी बात का एक मतलब और है, जो इस बात से ज्यादा अहम है और उसके लिए मैं बुजुर्गों से ज्यादा अपने नौजवानों से तवज्जो चाहता हूँ, और वो ये कि जब पुराने मजीद ये कहता है कि ईमान लाने वालों को खुदा अंधेरों से निकाल के उजाले में लाता रहेगा, और उसका ये मतलब है, नतीजा है कि ईमान लाने के बाद भी जिंदगी में अंधेरे पैदा होंगे, तो अगर कभी कोई शक पैदा हो, कोई शुबा पैदा हो, कोई सवाल पैदा हो, कोई एतराज पैदा हो, तो आदमी को ये घबराहट नहीं होना चाहिए इसके मानी कि हमारा ईमान जा रहा है, हम मोमिन नहीं है। नहीं, अगर ईमान के बाद अंधेरों के पैदा होने का मतलब ईमान की खिलाफ वर्जी होती तो अल्लाह ये न कहता कि ईमान लाने वालों हम तुम्हारे सरपरस्त हैं, तुमको अंधेरे अंधेरे से निकालते रहेंगे और उजाले में लाते रहेंगे। तो दोनों बातें याद रखना चाहिए, ईमान के बाद भी अंधेरे पैदा होंगे और अंधेरों के पैदा होने का मतलब ईमान की कमी नहीं है, बल्कि उन अंधेरों से निकलने की कोशिश करना चाहिए। खुदा मदद करेगा और जब उजालों में आते रहेंगे तो ईमान में इजाफा होता रहेगा। सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। और तीसरी बात की तरफ भी मुझे मुतवज्जे करना है कि जहां खुदावंद आलम हमेशा जिंदगी के अंधेरों से निकाल के उजाले में लाता रहेगा, वहाँ शैतान भी अपना मिशन बंद नहीं करेगा। वो उजाले में आए हुए इंसानों को अंधेरे में वापस ले जाएगा। इस सिलसिले में मुझे एक जुमला ये कहना है कि ये न सोचिएगा कि वो खाली काफिरों के बारे में ऐसा करेगा, नहीं, वो काफिरों के बारे में इत्मीनान नहीं रखेगा कि इनको हमने अंधेरे में डाल दिया है तो बस डाल दिया, नहीं, उनको अंधेरों में बढ़ाता रहेगा ताकि वो हिदायत पा के मोमिन न बन जाए। और हमारे आपके खिलाफ उसकी कोशिश होगी कि इनको ऐसे अंधेरे में डाल दो कि इनका ईमान खत्म हो जाए। तो मैं आपके सामने इन तीन बातों की तकरार के बाद अपनी चौथी बात भी याद दिलाना चाहता हूँ, उसको भी मुकर्रर कहना चाहता हूँ कि अंधेरे दो तरह के होंगे, कुछ इल्मी अंधेरे होंगे और कुछ अमली अंधेरे होंगे। हमको उन अंधेरों से निकलने की कोशिश करना होगी, खुदा हमारी मदद करेगा। ये मेरे कल के बयान का जरूरी खुलासा था। एक सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ने भी आपने जी लगा के सलावत नहीं भेजी मोहम्मद और आले मोहम्मद। अभी मेरे पास जो कि कई दिन है, ज्यादा मैं मुकदम करना चाहता हूँ कि चंद उन अंधेरों की तरफ तवज्जो दिलाऊं जो इल्मी अंधेरे हैं, जो इंसानों के जहनों में पैदा होकर शक और शुभात पैदा करते हैं। लेकिन कब्ल इसके कि मैं किसी मसले का तस्किरा शुरू करूं, एक बड़े बुनियादी उसूल का तस्किरा करना चाहता हूं जिसको निहायत मजबूती के साथ समझ लेना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने कल्बो दिमाग में उस बात को जमा लेना चाहिए ताकि एक नहीं एक हजार भी शुभे अगर पैदा हो तो ये बात हमारे लिए मददगार साबित हो सके। मैं आपकी खिदमत में क्या गुजारिश करना चाहता हूँ, गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ईमान और दीन की दुनिया से हट के भी एक बात हमारे आपके सामने है कि हम जिस पर एतबार करते हैं, जिस पर एतबार करते हैं, 5 साल का साथ रहा एतबार हो गया, 30 साल का साथ रहा एतबार हो गया, 50 साल का साथ रहा एतबार हो गया, जब एतबार पैदा हो गया तो अगर हम ऐसे आदमी के खिलाफ कोई बात सुनते हैं तो हम ये कहते हैं ये हमारा 50 साल का परखा हुआ आदमी है, ये बात उसके कैरेक्टर के खिलाफ है, लिहाजा हम तहकीक करेंगे कि हकीकत क्या है। वो ऐसा नहीं कर सकता है, या वाकया गलत है, या समझने में गलती हुई है, या बयान करने वाले में गलती की है। इसके मानी क्या है कि जिसको हमने परख के मान लिया है उस पर एतमाद मजबूती के साथ रहना चाहिए और उसके बाद जो वाकया सामने आया है, जो शुबा पैदा हुआ है, उसे हल करना चाहिए। शैतान इल्मी दुनिया में जो अंधेरे पैदा करता है उसका सबसे आसान और बुनियादी मसला ये होता है कि वो खुदा के बारे में, वो नबी के बारे में, वो ईमान के बारे में, वो कुरान के बारे में, वो दीन और शरीयत के बारे में
तजाद पैदा करेगा कि ये बात भी है और ये बात भी है और ये दोनों जमा नहीं हो सकती है, ज्यादा ये खुदा कैसा है जो दोहरी बात कर रहा है माशाल्लाह, ये नबी कैसे है जो दोहरी बात कर रहे हैं, ये कुरान कैसा है जो दोहरी बात कर रहा है। तो यहाँ से वो अंधेरों में ले जाता है। तो मैं आपकी खिदमत में एक वाकया करना चाहता हूँ जिससे मेरी दोनों बातें वाजे हो जाएगी कि शैतान के लिए इल्मी अंधेरे पैदा करने का रास्ता क्या है और हमारे बचने का रास्ता क्या है। ये सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक डहलिया पैदा हुआ और उसने ये ऐलान किया कि मैं इस्लाम के मजहब को गलत साबित करने के लिए एक किताब लिख रहा हूं। उस किताब का मौजू क्या था बाकी आपका सुना हुआ होगा इंशाल्लाह। उस वाक़े का मौजू यह था कि उसने कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों को जमा कर करके ये साबित करना चाहा था कि कुरान मजीद में तजाद है। एक ही बात के लिए खुदा एक मरतबा हाँ कहता है, उसी बात के लिए एक और दूसरी मरतबा नहीं कहता है। तो जो खुदा हाँ भी कहता है नहीं भी कहता है, न वो खुदा खुदा है न वो कुरान इलाही किताब। मौजू था तजाद कुरान, तजाद कुरान। आदमी कौन था? आदमी वो था जिसने मुसलमानों को बहस करके जिद कर दिया था। उम्मत उसके हाथों तंग आ चुकी थी। उसने ऐलान किया और तजाद कुरान मजीद पर किताब लिखना शुरू की। आजकल का जमाना नहीं था कि किताब लिखना भी शुरू हो जाए और छपना भी शुरू हो जाए, नहीं, वो तो लिखी जाएगी रफ्ता रफ्ता, आदमी तहरीर करेगा फिर वो सामने आएगी। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी से कहा कि तुम जाके इस जहरीले के इसहाक गिंदी के शागिर्द बनो। आज बहुत आसान है, इस इमाम बारगाह में मजलिस है, उस इमाम बारगाह में मजलिस है, इस महल्ले में यौम अज़ा है, उस महल्ले में शबे अज़ा है, यहाँ मौज़ा हो रहा है, उस मस्जिद में नमाज जमात हो रही है, यहाँ दरसे अखलाक हो रहा है, वहाँ दरसे कुरान हो रहा है। ये जमाने में जितना उजाला फैला हुआ है हमको न भूलना चाहिए, ये उजाला हम तक न पहुँचता अगर इन आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हर जमाने के मुताबिक नई से नई तदबीर अख्तियार करके इस दीन खुदा की हिफाजत न फरमाई होती। जिनके पास हुकूमत थी उन्हें फिक्र नहीं थी, लेकिन जिनके पास इमामत थी उनके उनको फिक्र थी। क्यों? मालिक को फिक्र होती है, कब्जा करने वाले को फिक्र नहीं होती। वारिस को फिक्र होती है, जिम्मेदार को फिक्र होती है। तो गए इमाम ने अपने साथी से कहा तुम जाओ और इस शख्स के शागिर्द बनो। मुसलमान तो इस खबर से डरे हुए थे कि जिसने बहसों में मुनाजरे में हमको जिद कर दिया है, तंग कर दिया है, वो जब किताब लिखेगा तो हम जवाब कहां से लाएंगे। बस याद रखिएगा, वो आदमी अपने को मुश्किलों ही मुश्किलों में महसूस करेगा जिसने दामने मुश्किल कुशा छोड़ दिया। अगर दर अहले बैत में छोड़ा होता तो ये साथ कंपनी न पैदा होता। तो मुख्तसर तौर पर इमाम ने फरमाया कि तुम जाके उसके शागिर्द बनो। अच्छा, जाहिर है 10 उसके शागिर्द हैं, उनमें 11वां आदमी शामिल हुआ, लेकिन ये वो है जो बस में इमाम का तरबियत याफ्ता है। यादा जिसने 10 महीने में जगह बनाई थी उनके मुकाबले में इस शागिर्द ने एक दिन में जगह बना ली और उसने तहरीर ने महसूस किया कि यह आदमी सबसे ज्यादा जहीन है, सबसे ज्यादा बात का समझने वाला है, सबसे ज्यादा समझदार है। तो जाहिर है कि इल्मी दुनिया में जो जितना ज्यादा जहानत और हाफिजे वाला होगा उतना ही आदमी उससे करीब होता जाएगा। चुनाचे ये नए शागिर्द थे मगर ये पुराने शागिर्दों से आगे निकल गए। अगर आप मुतवज्जे हो तो मैं एक नफसियाती बात कहना चाहता हूं। हर आदमी जो किसी किस्म का इल्म रखता है, किसी किस्म का कमाल रखता है, उसे तलाश होती है ऐसे आदमियों की
जो उसके जहन से जरा करीब हो, ताकि वो अपने काम को उनके सामने पेश करके राय लेके देखे कि मेरे काम की कीमत क्या है। मिसाल के तौर पर वो आदमी जिसको शीशे और हीरे में फर्क नहीं मालूम है, ऐसे आदमी से कोई जौहरी मशविरा नहीं करेगा कि ये हमारे सामने एक पत्थर है, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। लेकिन नहीं, जौहरी से मशविरा करेगा। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि उस कैरियर ने जब महसूस किया ये शागिर जहीन है, इल्मी जहन रखता है, जहानत में बहुत तेज है, तो उसने कहा मैं किताब लिख रहा हूँ। इन्होंने कहा हमने सुना है कि किताबें हैं। और इमाम ने कहा तुम जाके शागिर बनो, एतमाद पैदा करो। जब एतमाद पैदा करोगे तो वो अपनी किताब का तुमसे खुद तस्किरा करेगा। जब तस्किरा करेगा तो तुम कहना उस किताब को देखना चाहता हूँ, मैंने बड़ी शोरत सुनी है, वो किताब तुमको बड़े शराइत के साथ बड़े अहदो पैमान के बाद एक रात के लिए देगा पढ़ने के लिए, और तुम उसको पढ़ के वापस करना। और जब वो पढ़ के वापस करोगे तो तुमसे एक सवाल करेगा, सवाल भी नफ्सियाती था, तुमसे राय मालूम करेगा किताब के बारे में राय क्या है। चुनाची ये गए, शागिर्द बने, एतमाद पैदा किया, और वो मंजिल वहां तक आ गई कि उसने किताब हवाले कर दी और कहा मैंने ऐसी किताब लिखी है कि इस्लाम दुनिया से मिट जाएगा। और कुरान में हाँ और नहीं को मैंने जमा कर दिया, तजाद को जमा कर दिया है, कोई इसका जवाब नहीं दे सकेगा। और कल्ला ये उस्ताद की बात पढ़े तो पढ़ के वापस कर दी। जब सुबह वापस की तो कहा तुम्हारी राय किताब के बारे में क्या है। अब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इस मौके के लिए जो पहले से बात बताई थी वो कहने का वक्त आ गया। क्या जब वो तुमसे राय मांगे तो तुम उससे एक सवाल करना। क्या सवाल? वो तुमसे राय मांगेगा कि हमने किताब जो कुरान के खिलाफ लिखी है कि कुरान में हाँ भी है और नहीं भी है, कुरान इख्तलाफात का मजमुआ है, तजाद का मजमुआ है, तो तुमसे वो राय पूछेगा। तो तुम ये बात पूछना कि आपने जो किताब लिखी है, रुका इसलिए हो कि आपकी पूरी तवज्जो पैदा हो जाए तो मैं बात कहूं। इमाम ने कहा तुमसे ये पूछना कि आपने जो किताब लिखी है, हर पढ़ने वाला किताब का वही मतलब समझेगा जो आपका मतलब है, या ऐसा भी मुमकिन है कि पढ़ने वाला मतलब और समझे आपका मतलब और हो। जब इमाम के सहाबी ने यह सवाल किया तो सर झुक गया, सोचने लगा। इसका बात तो तुम ठीक कहते, इसका सब इम्कान है कि मैंने जो लिखा है उसका मतलब और हो, और पढ़ने वाला जो समझे उसका मतलब और हो। जब उसने खुद इस बात का इकरार कर लिया तो इमाम की बताई हुई बात को उन्होंने मुकम्मल किया और ये कहा कि फिर उस्ताद ऐसा भी तो मुमकिन है कि आपने अल्लाह की किताब का जो मतलब समझ के बताया है कि कुरान इख्तलाफात का मजमुआ है, मुमकिन है जो आप मतलब समझे हो ये खुदा का मतलब न हो। कहा ये तो मुमकिन है। का फिर आपने कुरान को इख्तलाफात का मजमुआ बनाया है अपने समझे हुए मतलब की बिना पर, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो आप मतलब समझे हैं वो खुदा का मतलब भी है, तो फिर ये कुरान का तजाद कैसे साबित होगा। सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, और उसके बाद उसने एक अंगेठी लगाई जिसमें आग रोशन थी और अपने हाथ से अपनी किताब उसमें डाली। किताबों को सब करना कारूनन ताकत के जरिए ये हुकूमत का काम है, और मुसन्निफ के हाथों ही किताब को जलवा देना ये इमामत का काम है। जलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। का जब देश खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई, कि हमने जो मतलब समझते कुरान का तजाद पेश किया है, हो सकता है खुदा का ये मतलब ही न हो, हमारी किताब बेकार हो गई। किताब तो उसने जला दी, और जलाने के बाद कहा ये बताओ ये बात तुमसे कही किसने। पढ़ा लिखा आदमी का अगर से जहरिया था, ऐसी खास बात है जिसमें आप ये पूछते हैं ये बात कही किसने है। कहा मैं सारे मुसलमानों से बहस कर चुका हूँ, तुम भी एक मुसलमान ही हो, ये बताओ ये तुमसे बात किसने कही। यानी जहरिया है, कुरान का मुखालिफ है, तवज्जो चाहता हूँ, मगर जहरिया और काफिर होकर भी समझता है
امت اور غیر امت میں کچھ فرق ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہوں. اور یہ کتنا میں نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے یہ حضرت کا بتایا ہوا تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ تمہارے دماغ کی بات نہیں تھی, یہ اسی دروازے کی بات ہے. تو میں نے آپ کے سامنے کیا کہنا چاہا, میں نے اس واقعے کو یہ سنایا ہے کہ علمی اندھیرے جب پیدا ہوں گے تو ان کا مین پوائنٹ یہی ہوگا کہ آدمی کے ذہن میں پیدا ہوگا یہ بات ایسی ہے اور یہ اس کے خلاف ہے. یہ دونوں باتیں کیوں پیدا ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے تاکہ شیطان جس طرح سے اندھیرے میں لے جانا چاہے گا اس کے مین پوائنٹ پر آپ کی نظر رہے. اب اندھیرے سے نکلنے کے لیے ہمیں جو کوشش کرنا ہے, ہماری کوشش کے بعد خدا مدد کرے گا, اس کا بھی جو مین پوائنٹ ہے اسے سنانا چاہتا ہوں. اے صلوات بھیجے محمد والے. آپ تاریخوں میں پڑھیں گے واقعہ مل جائے گا کہ پیغمبر نے ایک مسلمان کو تلوار دی اور کہا فلاں جگہ جاؤ, وہاں تم کو جو آدمی ملے اسے قتل کر دو. گئے اور وہاں جا کے یہ دیکھا ڈھان آدمی نہایت خوبصورت نہایت حسین اور وہ بڑے حضور خشور خلوص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ سوچتے رہے جو اتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے اسے ہم قتل کر دیں. پیغمبر نے دوسرے مسلمان سے کہا آپ جائیے, یہ بھی گئے اور ان کو بھی یہ دکھائی دیا کہ وہ نہایت توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. ایسا سمجھ بات نہیں آتی ہے کہ جو اتنی سادگی کے ساتھ اتنے خضوع خضوع خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہو اسے ہم قتل کر دیں. غلط آئے اور پیغمبر کو آ کے رپورٹ دے دی کہ ہم کو ایسا آدمی ملا, زیادہ ہم نے قتل نہیں کیا. تیسری مرتبہ حضور نے مولا کائنات سے کہا علی تم جاؤ. علی گئے, جگہ وہی تھی, یا تو آدمی پہلے جا چکے تھے. مولا جب گئے تو پلٹ کے آئے تشریف لے کر آپ بیٹھ کے آئے اور آپ نے فرمایا پیغمبر کی خدمت میں جب وہاں کوئی نہیں. تو لوگوں نے پوچھا ابھی تو گئے ہم گئے تو یہ گئے جو آدمی گئے بڑا آدمی بڑا کام ملا اب کیوں نہیں ملا. تو بس ہم مسکرائے کہا یہ جو نماز پڑھ رہا تھا یہ شیطان تھا, یہ جو نماز پڑھ رہا تھا یہ شیطان تھا اور وہ دو مرتبہ رکا رہا اس لیے کہ اس کو اطمینان تھا کہ میری نماز آنے والے کے ذہن کو الجھا سکے گی. یعنی آنے والے کو میں اس اندھیرے میں لے جا سکوں گا کہ ٹھیک ہے نبی نے کہا ہے مگر ایک نمازی اور بڑی بہترین نماز پڑھنے والے کو ہم کیسے قتل کر دیں. اور اس کے بعد جب علی جائے تو علی کا کوئی کام نہیں تھا, اس لیے کہ ان کا تصور تھا, یقین تھا, ان کا ایمان تھا, اس لیے کہ وہ کل ایمان تھے کہ نبی کا فرمان غلط ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اسے جب علی آتے ہوئے دکھائی دیے تو اس نے کہا وہ اور تھے جن کے ہاتھوں ہم بچ گئے, ان کے ہاتھوں تو ہم بچنے والے نہیں. آپ سمجھے میں نے واقعہ کیوں پیش کیا, یہ واقعہ میں نے اس لیے پیش کیا ہے کہ جو اندھیرے سے نکلنا چاہتے ہیں, جو میں نے ابتدا میں بات کہی تھی اسے یاد رکھیے گا کہ ہم زندگی میں جس کو پرکھ کے سچا سمجھ لیتے ہیں تو اس کے خلاف اگر کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں تحقیق کریں گے, سمجھیں گے کیا صورت حال ہے. وہ آدمی ایسا نہیں ہے جو ایسا کام کر سکے, یا سمجھنے میں غلطی ہے یا سننے میں غلطی ہے یا کیا بات ہے اسے معلوم کریں گے. تو معلوم ہاں جب کسی پر اعتماد ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے, فیت ہوتا ہے تو آدمی اس کے خلاف جو بات سنتا ہے اس کے سمجھنے کے لیے تحقیق کرتا ہے اور اس بات کو وہاں تک پہنچاتا ہے کہ اس کا اعتماد بھی باقی رہے اور مسئلہ بھی واضح ہو جائے, معلوم ہو جائے جھوٹ ہے, معلوم ہو جائے غلط ہے یا معلوم ہو جائے کہ اصلیت کیا ہے. تو بس میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم نے دلیل سے خدا کو عادل مان لیا ہے, نبی اور امام کو معصوم مان لیا ہے, تو جتنے بھی مذہب میں سوالات پیدا ہو ہم کو اس مضبوط اعتماد کو برقرار رکھنا ہوگا. خدا کوئی کام غلط کر نہیں سکتا ہے, نبی سے کوئی بھول چوک ہو نہیں سکتی ہے, امام سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی ہے. لہذا اگر یہ سوال پیدا
पैदा हुआ, 10 सवाल पैदा हुए, 1000 सवाल पैदा हुए, तो अब अपने ईमान को बरकरार रखते हुए कैसे करेंगे कि सही सूरत हाल क्या है, ताकि मसला हल हो जाए, अंधेरा दूर हो जाए, उजाला पैदा हो जाए। सहवाज है के मोहब्बत को एक दर्रे पर
नियोजन कर दिया था कि देखो चाहे हारे चाहे जीते, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यहाँ से हटना नहीं, यहाँ से इबादत करते रहना, पहरा देते रहना, इस रास्ते से दुश्मन आने न पाए। नबी ने क्या कहा था, हम हारे या जीते तुम्हारा काम यहाँ पर बाकी रखने का है। जब ओहद में दुश्मन भागने लगा मैदान छोड़ के और माल छोड़ के और मुसलमान माल गनीमत जमा करने लगे, तो इन 50 आदमियों में भी इख्तलाफ पैदा हुआ। अब जिहाद नहीं है, दुश्मन भाग रहा है, माल गनीमत छोड़ के भाग रहा है, अब यहाँ पहरा देने का क्या काम है। तो 50 में 43 की राय हुई कि अब पहरा देने की जरूरत नहीं है, माल गनीमत जमा करने का वक्त आ गया है। और 7 आदमियों की राय हुई कि हम नबी की बात के पाबंद हैं कि नबी ने कहा था हारे या जीते हैं तुमको यहीं पर रहना। यानी 47 वो निकले जिन्होंने अपनी समझ पर एतमाद किया और 7 वो निकले जिन्होंने नबू की नबूवत पर एतमाद किया। नया वाकया नहीं है, आपका सुना हुआ वाकया है, मगर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब दुश्मन ने ये देखा कि 7 आदमी रह गए 50 के बजाय, तो उसने लश्कर को पीछे से लाकर उसी दर्जे से मुसलमानों की पुष्प से हमला कर दिया। और उसने हमला किया, मुसलमान मैदान से कदम उनके उखड़ गए, नबी आवाज देते रहे, वो चले गए। मगर वो चले जाने के बावजूद ये बात दुनिया के सामने रही, लेकिन जिन्होंने नबी पर एतमाद किया उनके सामने सच्चाइयां सामने आ गई। तो ये मैंने दिन के 3 वाक्य आपको इसलिए सुने, और भी वाकयात है, ताकि आप महसूस करें कि शैतान का काम है तदाद पैदा करके शुबा पैदा करना, और अंधेरे से निकलने के लिए उजाले में आने के लिए खुदा की मदद हासिल करने का तरीका क्या है। कि हम अपने एतमाद को बाकी रख करके तहकीक करें। मैं आपकी खिदमत में आखिरी बात कहना चाहता हूँ, ताकि ये महसूस हो कि मैं फकत 3 के लिए कह रहा हूँ, नहीं, दुनिया में भी हमारा ये माना हुआ उसूल है। सलावत तो भेजिए मोहम्मद राले मोहम्मद, उसका माल आता है, तो माल लेने वाला पहले दिन माल लेता है, जड़ते हुए पता नहीं सही निकलेगा या गलत निकलेगा, लेकिन पहली मरतबा सही निकल गया तो दूसरी मरतबा ज्यादा माल खरीदता है, तीसरी मरतबा और ज्यादा खरीदता है। यहाँ तक कि जब 30-25 साल 30 साल 50 साल हो जाते हैं तो सारे जमाने में शुरत हो जाती है, ये कंपनी स्टैंडर्ड है, इसका माल आंख बंद करके खरीदा जाए। यानी जिस पर एतमाद कायम हो जाता है हम उसका माल आंख बंद करके खरीदते हैं। अब अगर कभी हमारे पास कोई ऐसा माल आ गया जिसमें कोई खराबी निकली, तो हम कंपनी की सास से मोहब्बत करते हुए मुतला करते हैं कि आपके माल में फला खराबी आई है, ज्यादा मालूम कीजिए कि आपके स्टाफ में कौन आदमी है जिसने आपकी कंपनी के स्टाफ को बर्बाद करना चाहा है, और वो हजारों हजार रुपए खर्च करके अपनी सास को बरकरार रखने के लिए छानबीन करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद क्या था, एतमाद के बाद एतमाद के खिलाफ अगर कोई बात आती है तो दीन और दुनिया दोनों का रास्ता ये है, एतमाद बहाल रखा जाए, मसले की तहकीक की जाए। अब सलावत भेजिए मोहम्मद राजे मोहम्मद, मैं अब आपके सामने चंद तस्करे करना चाहता हूँ, ताकि ये मिजाज पैदा हो जाए कि जो माने हुए उसूल से कोई चीज टकरा जाए, अगर वो चीज माने हुए उसूल से टकरा जाती है तो टकरा जाना दलील है कि ये गलत है। स्टैंडर्ड है, माना हुआ है, काबिल एतमाद है। आप आज तो मेरी बात नहीं समझे, मैं अपनी बात की ताईद में हुजूर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौन का तस्करा करना चाहता हूं कि आपने फरमाया है कि मेरे बाद मेरे नाम से झूठ बोलने वाले बहुत पैदा होंगे। पैगंबर ने क्या फरमाया कि मेरे बाद मेरे नाम से झूठ बोलने वाले बहुत पैदा होंगे, और पैगंबर को ये बात करने का हक था इसलिए कि नबी की जिंदगी में लोग नबी के नाम से झूठ बोलने लगे थे, तो जिसकी जिंदगी में उसके नाम से लोग झूठ बोलने
करने लगे हैं उसके न रहने के बाद तो हो जाना झूठ बोलेंगे, तो बात उनकी होगी और कहेंगे काल रसूलुल्लाह, बात उनकी होगी कहेंगे काल रसूलुल्लाह, फरमाया रसूलुल्लाह ने, और मुसलमान सोचेंगे रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो सुनना चाहिए। तो पैगंबर ने कहा जब तुम्हारे सामने मेरे नाम से झूठी हदीसें बयान की जाए तो सच्ची भी आएंगी झूठी भी है। जो मैंने बात क्या कही, मैंने क्या कहा बात, मैंने बात ये कही कि एतमाद बरकरार रखिए, उससे जो चीज टकराती है उसकी तहकीक कीजिए, अगर माने हुए उसूल के खिलाफ है तो उसे वापस कर दीजिए कि यह गलत है, जो चीज उसूल से टकरा जाए वो झूठ है, वो सही नहीं हो सकती। तवज्जो चाहता हूं। तो पैगंबर ने कहा जो तुम्हारे सामने मेरे नाम से हदीसें बयान की जाए तो मैं तुमको एक चीज देता हूं कि उससे हदीस को मिला लेना, यानी नबी वो स्टैंडर्ड चीज हमारे हवाले कर रहे हैं कि इसके मुताबिक हो तो मानना और इसके मुताबिक न हो तो न मानना। पैगंबर ने क्या फरमाया, पैगंबर ने फरमाया जब कोई हदीस सुनना तो उस हदीस को कुरान मजीद से मिलाना, तस्करा नया नहीं है आपका खुला हुआ। मेरे नाम से कोई भी हदीस बयान की जाए उसे कुरान मजीद से मिलाना, अगर हदीस कुरान मजीद के मुताबिक मिले तो मान लेना, इसलिए कि जो खुदा कहेगा भाई मैं कहूंगा, जो मैं कहूंगा वही खुदा कहे। लेकिन अगर कुरान मजीद से कोई हदीस टकरा जाए तो पहचान लेना ये मैंने नहीं कहा है, ये मेरे नाम से झूठ बोला जा रहा है। ज्यादा लाख लोग कहे कार रसूलुल्लाह ये पैगंबर की हदीस है, मगर वो मेरी हदीस नहीं है, वो मेरे नाम से झूठ बोला गया है। ज्यादा ऐसी हदीस को दीवार पर पटक देना। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूंगा कि यही तो और भी समझने के काबिल है कि जब हुजूर परवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाथ में एक मेयार दे दिया कि मेरे नाम से हदीस बयान की जाए, एक नहीं हजारों सैकड़ों हदीसें बयान की जाए, तो मेरी हदीसों को कुरान से मिलाते रहना कुरान सम्मान के लिए। इसके बाद गुंजाइश है कि फला साइंसदान ने ऐसा कहा, हमारा तरीका यही है कि उसे कुरान से मिलाइए, अगर मिलता है तो सही मानिए कि वो सही राह हिजरत तक पहुंचता है, और अगर कुरान से नहीं मिलता है तो दीवार पर पटक। क्या किसी मुसलमान के लिए इसके बाद जायज है कि फला बहुत बड़ा शायर गुजरा है उसने ये शेर कहा है लिहाजा हमको मानना चाहिए? नहीं, शायर के शेर को कुरान से मिलाइए, अगर कुरान के मुताबिक है तो मानना जायज है, लेकिन अगर कुरान के खिलाफ है तो उसे दीवार पर पटक देना। किताब लिखी है लेकिन किताब को कुरान से मिलाइए, अगर कुरान से मिल जाती है तो मान लीजिए, और अगर कुरान से नहीं मिलती है तो दीवार को पटक। मैं क्या मुझसे अगर हजार गुना बड़ा भी कोई जाकिर और हकीम और मुकर्रर हो और वो तकरीर करे और उसकी कोई बात ऐसी है जो कुरान मजीद से टकरा जाती है, तो जब नबी ने अपनी बात के लिए कहा है कि मेरे नाम से भी अगर झूठ बोला जाए और वो कुरान के खिलाफ हो तो उसे दीवार पर पटक दे, तो एक उसूल रहना चाहिए। फलसफी कहे, साइंसदान कहे, शायर कहे, जाकिर कहे, आलिम कहे, कोई कहे, कुरान में यार है, कुरान से मुताबिक हो तो मान लो और नहीं मुताबिक हो तो दीवार पर पटक दो। तो नबी ने क्या कहा, कुरान वही कहेगा जो मैं कहूंगा, मैं वही कहूंगा जो कुरान कहेगा। तो नबी आपके पास जो कुरान की जबान खोलेगा, का इसलिए तो कह रहा हूं कि तुम्हें दो चीजें छोड़ता हूं, एक मेरे अहले बैत और एक कुरान। जो कुरान कहेगा वही अहले बैत कहेगा, जो अहले बैत कहेगा वही कुरान कहेगा, ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद रसूल। सलावत तो भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। के साथ हर बच्चे के जहन में, हर बेटी के जहन में रहे कि हमारे लिए शैतान मसाइल कैसे पैदा करेगा जिनमें अंधेरा होगा, वो वही होगा कि वो तजाद पैदा करेगा, इख्तलाफ बताएगा, ये ऐसा है और ये ऐसा है, और ये नबी की बात है और ये इमाम की बात है, टकराव कैसे होगी, या एक ही इमाम की जिंदगी में दो काम इनमें टकराव कैसे पैदा हो गया, तो तजाद के जरिए वो अंधेरा पैदा करेगा और एमाद के जरिए हमको अंधेरे से निकलना। अब मैं आपकी खिदमत में चंद चीजों का तस्करा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि कुरान मजीद ने तस्करा किया है कि हर आदमी अपने अमल का जिम्मेदार हो। कुरान मजीद का बयान क्या है, हर आदमी अपने अमल का जिम्मेदार होगा।
इसलिए कि अदल खुदा का तकाजा यही है कि सजा वो पाए जिसने जुर्म किया है, सजा वो पाए जिसने नेकी की है। लेकिन आपके गुनाह की सजा मैं पाऊं, मेरे गुनाह की सजा आप पाएं, ये अदल खुदा के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ भी है, माने हुए उसूल के खिलाफ भी। मैं एक आपको मशहूर जमाना हदीस सुनाना चाहता हूँ जो रातों दिन बयान की जाती है, मगर याद रखिएगा इस हदीस का गलत होना ये वाजे हो जाएगा, इसलिए वाजे हो जाएगा कि ये माने हुए उसूल अदल खुदा और बयान किए हुए कुरान मजीद के ऐलान के खिलाफ है। क्या हदीस होती है, लोगों ने तस्करा किया है, किताबों में लिखा भी है, तस्वीरों में भी आती है, मैगजीन में भी आती है, अखबारों में भी आती है, और वो ये कि मरने वाले पर होना नहीं चाहिए। यह हदीस बयान होती है कि मरने वाले पर रोना नहीं चाहिए, पैगंबर ने मना किया मरने वालों पर न रो। अच्छा, बात यहीं तक रहती तो शायद समझने में दिक्कत होती कि भाई पैगंबर ने मना किया होगा, पैगंबर ने बहुत सी बातों से मना किया, मगर उसमें आगे एक जुमला बढ़ा कि अगर तुम जमीन पर रोगे मरने वाले पर तो तुम्हारे रोने की वजह से उस मैयत पर कब्र के अंदर अजाब होगा। अगर जिसने ये हदीस बनाई थी उसने सोचा रोने से रोकने का रास्ता यही है कि कोई ऐसी बात कहो कि मोहब्बत करने वाला, रिश्तेदार चाहने वाला, दोस्त, उसके दिल पर कोई ऐसी चोट लगे कि वो रोना बंद कर दे। कहा तुम जमीन पर रोगे तो रोगे तुम जमीन पर और पिटाई होगी तुम्हारे मुर्दे की कब्र के अंदर। तो उसने अपने दिमाग से बहुत उमदा बात निकाली थी कि लोग इसके बाद रुक जाएंगे, नहीं रोएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है अदले खुदा का तकाजा क्या है, जिसका गुनाह है वो सजा पाए, दूसरा सजा कैसे। और जब कुरान मजीद कहता है ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, तो रो मैं और अजाब हो मुर्दे पर, ये बयान कुरान के खिलाफ भी है, ये उसूल अदल इलाही के खिलाफ भी है। ज्यादा ये हदीस पैगंबर नहीं है, ये जब कुरान के खिलाफ है तो दीवार पर फटा देने के साथ है। मैं पहले सोच रही है कि सबको सलावत पढ़ने की जरूरत है कि नहीं, मैं पहले आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूंगा। इस वक्त तफसील मुमकिन नहीं है, लेकिन मुख्तसर तौर पर सुनिए, जो उसूल दीन पांच आज है यही पांच उसूल दीन उस वक्त भी थे जब दीन इलाही जनाब आदम के जमाने में आया। उसूल दीन में कोई तब्दीली कल से लेके आज तक नहीं हुई, और उसके बाद फुरू दीन में हिस्सा वो है जो बदला है, एक हिस्सा वो है जो नहीं बदला है। जनाब आदम से लेकर हुजूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक 124,000 नबियों ने एक दिन पेश किया है, एक दिन पेश किया है जिसके उसूल जो अहदे आदम में थे वही अहदे खातम में थे, कोई फर्क नहीं। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, कयामत, ये सारे के सारे अकीदे वो है जो आज नहीं है, ये अहद आलम से लेके आज तक है। ये सवाल भेजिए दो जुमले से, कुरान मजीद में शैतान का तस्करा है, शैतान को परवरदिगार आलम ने जब आदम के सजदे का हुक्म दिया और उसने आदम को सजदा नहीं किया पालने वाले मैं तेरे हुक्म को गलत समझता हूं, तेरे अदल के खिलाफ है कि तू उसे जो हाथ से पैदा हुआ है उसके सामने झुका है जो मिट्टी से पैदा है। तो शैतान का ये कहना कि पालने वाले तेरा फैसला गलत है, इसके मानी वो एक खुदा को तो मानता है ना शैतान हो क्यों, और बिगड़ा किस बात पे है, गुनाकार किस बात पर होता है, किस बात पे बना, तौहीद का इनकार नहीं किया, अदल का इनकार किया। तो अगर अदल का इनकार
हमला करने वाला शैतान बन जाता है तो अब उसूल दीन में है या नहीं? जब अल्लाह ने कहा निकल जा, निकल गया, और निकलने के बाद भी पलट के आया और उसने कहा तेरी इज्जत की कसम, मैं आदम का बदला लेने के लिए औलाद आदम में सबको बैठा हुआ सिवा तेरे उन बंदों के। कौन बंदे? यहां पर कुरान जरा समझ के पढ़िएगा, मुखलसीन, मुखलसीन नहीं, मुखलिस के मानी है जब मैं आपसे खलूस रखता हूं तो मैं आपका मुखलिस हूं। कुरान मजीद में मुखलिस नहीं है, मुखलस है, मुखलसीन। मुखलसीन कौन? जिनको खुदा ने खालिस कर लिया है अपने लिए। तो शैतान ने कहा मैं सबको बहकाऊंगा, लेकिन जो तेरे वो बंदे हैं इनको तूने चुन लिया है उनको मैं बहका नहीं सकूंगा। तो शैतान के फिक्रे में इकरार है कि कुछ ऐसे मासूम बंदे हैं जो शैतान की इज्जत से बाहर। और यही पर मैं आपके सामने तस्करा करना चाहूंगा कि अभी तो आदम पैदा हुए हैं, उनके अलावा तो कोई नहीं पैदा हुआ। इसे कुरान मजीद में खुदा ने आलम शैतान से कहता है तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, क्या तूने तकब्बुर किया यानी बुराई की जुर्म किया, और या क्या तू आलीन में था? तो इसके माने कि उस वक्त जब आदम के सजदे का हुक्म हुआ था एक जमात ऐसे लोगों की पाई जाती थी जो आलीम थे, जो बल से बलंतर थे, कि उनको आदम के सजदे का हुक्म नहीं दिया गया था। मालूम हुआ जब मलाइका और शैतान को आदम के सजदे का हुक्म दिया जा रहा था तो अल्लाह एक ऐसी मखलूक पैदा कर चुका था जो आदम से बुलंद दर्जे के मालिक थे, जिन पर सजदे आदम का हुक्म नहीं करना भी था। ये कौन थे? ये मोहम्मद और आले मोहम्मद। इशारे इसलिए कर दिए ताकि मेरे सत्रे में अजबियत न रहे कि उसूल दीन जो आज है यही उसूल दीन कल है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कहने पर मौजूद तैयार हूं कि आज भी अंबियाए मासबक की जो बची खुची किताबें हैं उसमें खुदा की तौहीद आदल का जिक्र है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हुजूर सरवर कायनात का जिक्र है तो बड़ी बात नहीं है, 12 इमामों की इमामत का जिक्र तब्दीली के बाद भी आज आसमानी किताब हो बात जिनका बयान करना है सब मेरा मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि उसूल दीन जो कल थे वही आज। हिस्सा है जो बदलता है और एक हिस्सा है जो नहीं बदलता है। बदलने वाले हिस्से का नाम है शरीयत। 1,24,000 नबियों में 5 शरीयतें आई हैं, जनाबे नूह की शरीयत, जनाबे इब्राहिम की शरीयत, जनाबे मूसा की शरीयत, जनाबे ईसा की शरीयत, और आखिरी शरीयत हुजूर सरवर कायनात जनाबे मोहम्मद मुस्तफा। जरूरतों के हिसाब से तफसीर के साथ मौका नहीं है, इंसानी जरूरतों के हिसाब से अहकाम बदलते हैं, इस बदलते हुए हिस्से का नाम शरीयत है। जैसे मैं आपके सामने करना चाहता हूं कि शुरू में जब रोजा वाजिब हुआ था तो रोजे में रोजा खोलने के बाद कितनी देर के बाद रोजा शुरू होता था उसकी मिसाल यह थी कि रोजा खोलने वाला जब तक जागता रहे तब तक वो खा सकता है, पी सकता है, रोजे के तोड़ने वाले सारे काम कर सकता है, लेकिन एक मरतबा नींद आ गई रोजा शुरू हो गया। इब्तदा में जो रोजा आया था तो सहर का टाइम इतना लंबा नहीं था जितना अब, बल्कि आदमी सोया दूसरे दिन का रोजा शुरू हो गया। तो जब जंगे खंदक की हिफाजत के लिए मुसलमान खंदक खोद रहे थे तो एक सहाबी जिन्होंने रोजे में सबके साथ खंदक खोदी थी वो दीवार से टेक लगा के बैठे और अभी रोजा खोला भी नहीं था कि नींद आ गई दूसरे दिन का रोजा शुरू हो गया। तो उनकी मेहनत को देख के परवरदिगार आलम ने रोजे में तब्दीली की कि अब सोने से रोजा नहीं शुरू होगा, अब सुलूए सुबह साजिद के बाद रोजा शुरू होगा। तो ये हालात के अतबार से जो मसाइल बदलते रहते हैं इसका नाम शरीयत है। वरना फुरूए दीन में कुछ ऐसे
مسئلے ہیں جو کل بھی وہی تھے اور جو آج بھی وہی ہیں، جن میں سے میں دو مسئلوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے باب مدینہ علم چھوڑ دیا ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور جنہوں نے جس دروازے کو پکڑ رکھا ہے ان کے پاس آج بھی حقائق ہے۔ ایک صلوات تو بھیجے محمد علی محمد۔ آپ جیسے باقی کار و سمجھدار مجمعے سے میں دو لفظوں کے لیے توجہ چاہتا ہوں کہ دو چیزیں حرام ہیں جنہیں سب جانتے ہیں، عورت اور مرد کے درمیان شادی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی جنس کے دو آدمیوں کے درمیان شادی حرام ہے۔ مرد کی مرد سے شادی ہو جائے، عورت کی عورت سے شادی ہو جائے، یہ ناجائز ہے، یہ آج ہی ناجائز ہے، یہ ہمیشہ سے ناجائز ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ بہن اور بھائی کی شادی ہو جائے، ایسا حرام ہے کہ اس حرام کو آدمی اگر بیان کرے تو سننے والے کا مزاج ہی مقدر ہو جاتا ہے، یہ تو بازے بازے سمجھانے کی کا ضرورت۔ لیکن آپ پہچانیے جنہوں نے دلے اہل بیت چھوڑ دیا ان کے یہاں روایتیں کیا آ گئی، اور میں نے آپ کے سامنے سلسلہ رکھا ہے، ایک روایت آئے، دس روایتیں آئے، ہزار روایتیں آئے، لیکن پیغمبر نے بتایا ہے قرآن سے ملانا، اصول دین سے ملانا، اگر مل جائے تو مان لینا کہ میرا قول ہے، ورنہ دیوار پر شیطان میرا بجا کرے گا، فلاں نے لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔